Hello student, welcome back to our online class. Today we will learn here class 5th maths and chapter है आपका Does it look the same? Chapter number 5 और इसमें आप पढ़ोगे आज जो टॉपिक है हमारा वो है रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल का मतलब रोटेट का मतलब घुमाना होता है यानी रोटेट करना. जैसे अर्थ भी रोटेट कर रही है तो इस तरीके से रोटेट करना कहते हैं. रोटेट मीन्स घुमाना होगा. और सिमेट्री का मतलब है सममिति. सिमेट्री का मतलब हिंदी जो अर्थ होता है सममिति होता है स्टूडेंट. और इसकी डेफिनेशन जो आपकी होगी ए शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट स्टिल लुक्स द सेम आफ्टर सम रोटेशन. यानी कोई शेप के बारे में कह रहा है शेप की जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी वेर इट स्टिल लुक्स द सेम आफ्टर सम रोटेशन. जब हम उसे रोटेट करते हैं और उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं होगा. रोटेट करने के बाद भी उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं होगा यानी लुक्स उसका सेम रहेगा तो उसको उसकी रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट मैं दिखा देता हूं आपको. यहाँ पे मैंने एक बना रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल. आप देख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स होगा आपका जो इसकी साइड तीनों साइड होंगी ये इक्वल अगर है तीनों साइड किसी ट्रायंगल के अगर इक्वल है तो उसको आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑल थ्री साइड आर इक्वल. अगर आप इसको रोटेट करते हैं रोटेट मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर एक फिगर दिखा रहा हूँ. ये देखो क्या ये भी आपका जो ये फिगर दिख रहा है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सामने से इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूं या एंटी क्लॉकवाइज आप जो चाहो वो कर सकते हैं. अगर मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं इस तरीके से रोटेट करता रहता हूं तो अगर इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है तो ये आप या इसकी लुक्स में कोई चेंज नहीं होता है या लुक्स सेम रहती है तो इसकी ये रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी. फॉर एग्जांपल आप देख लो अभी इसकी लुक्स स्टूडेंट इस तरीके से मैं आपको कैमरे के नजदीक ले आता हूं. इसकी लुक्स आपको दिख रही होगी इस तरीके से है और मैं इसको यू रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं. देखो लुक्स में कोई चेंज नहीं हुआ. ये पहले भी लुक्स वही लग रही है और अभी भी लुक्स वही है सेम है. ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है. ओके स्टूडेंट फिर से अगर मैं इसको रोटेट करता हूं फिर से लुक्स वही आ जाएगी. इस तरीके से इसकी ये रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी. तो आपको यही कह रहा है. फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो रेक्टेंगल है. अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो लुक्स चेंज हो गई ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. अगर मैं इसको थोड़ा और रोटेट कर दूं इतना अगेन तो फिर से लुक्स वही आ गई आपकी जो पहले थी. तो ये भी इसकी क्या कहलाएगी रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी. ओके स्टूडेंट इस तरीके से आपको रोटेशनल सिमेट्री याद करनी है. इसकी डेफिनेशन यही है शेप है रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट स्टिल लुक्स द सेम आफ्टर सम रोटेशन. ओके स्टूडेंट नाउ स्टूडेंट मैं आपको टर्न के बारे में बताता हूँ. रोटेट करना है तो हमें टर्न करना है. जैसे यहाँ लिखा है मैंने 1/2 टर्न. 1/2 टर्न का मतलब क्या होगा 1/4 टर्न का मतलब क्या होगा और 1/3 टर्न का मतलब क्या होगा और 1/6 टर्न का मतलब क्या होगा. थोड़ा आपको इसको एंगल यानी डिग्री में समझना है. देखो स्टूडेंट कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है पूरा जो टर्न होता है 360 डिग्री का होता है. कितने का होता है 360 डिग्री. और 1/2 का मतलब हो जाएगा 360 में 2 का डिवाइड तो आपका निकलेगा अगर 360 में 2 का डिवाइड करोगे 180 डिग्री का टर्न. यानी 1/2 टर्न कहेगा तो कितने डिग्री रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा. अगर 1/4 टर्न कहेंगे तो 360 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री आंसर आएगा आपका. तो 1/4 टर्न का मतलब 90 डिग्री से टर्न हो रहा है. आपने एंगल पढ़े हैं तो कितने डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री के इसमें टर्न हो रहा है. 1/3 टर्न का मतलब होगा 3 से आप 360 में डिवाइड करोगे आपका निकलेगा 120 डिग्री. यानी 1/3 टर्न का मतलब होगा 120 डिग्री से रोटेट हो रहा है या टर्न हो रहा है. और 1/6 टर्न का मतलब हो जाएगा आप 360 में 6 का डिवाइड कर दोगे कंप्लीट एंगल में तो आपका निकलेगा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री से टर्न हो जाएगा.
आप यूं भी समझ सकते हो, प्रैक्टिकली मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको, ये आपका रेक्टेंगल शेप है। अगर मैं इसको इतना मोड़, यहां से इतना मोड़ दूं, ये टर्न आपका क्या कहलाएगा, 1/4 टर्न कहलाएगा, यानी 90 डिग्री का टर्न कहलाएगा। ये आपका 90 डिग्री का टर्न कहलाएगा। अब मैं शुरू से लेके 90 डिग्री, अब फिर से और रोटेट करता हूं, इतना रोटेट करता हूं, दिस टर्न इज कॉल्ड 1/2 टर्न, यानी 180 डिग्री टर्न। ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री टर्न। और जो थर्ड टर्न मैंने 1/3 का दिखा रखा, अब 1/3 का कैसे करेंगे, 130 डिग्री है। तो ये आपका शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, हमने 90 डिग्री टर्न किया। और 90 डिग्री के बाद आपको थोड़ा सा 30 डिग्री टर्न और करना है, तो 30 डिग्री स्टूडेंट कितना होगा, लगभग इतना। तो दिस टर्न इज कॉल्ड 120 डिग्री। ओके, यानी हमें शुरुआत ऐसी थी, 90 डिग्री टर्न किया और थोड़ा 30 डिग्री, यानी 120 डिग्री आपका टोटल टर्न ये हो जाएगा इस तरीके से। और लास्ट में 1/6 यानी 60 डिग्री टर्न कितना हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैंने इनिशियल में आपको ये बताया है कि दिस टर्न इज 90 डिग्री, बताया था आपको। अब देखो आप फिर से आगे, हमें 60 डिग्री तो 90 डिग्री से कम टर्न करना है, यानी हमें इतना टर्न नहीं करना है, हमें हल्का 60 डिग्री अबव इतना, आइडिया से इतना टर्न कर दिया मैंने, तो ये आपका 60 डिग्री का टर्न होगा। अब आपकी बुक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें वो क्वेश्चन कैसे करने हैं स्टूडेंट, एक दो एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी तो आप अपने घर में होमवर्क के रूप में करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये कह रहा है इसमें रोटेशनल सिमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट ऑप्शंस फॉर विच द फॉलोइंग पिक्चर्स विल बी सेम ऑन रोटेशन, यानी आपने पिक्चर्स को टिक करना है, इसके आपके ऑप्शन पीछे दिए गए हैं, इन पे आपने टिक करना है स्टूडेंट कि किसके रोटेशन में ये रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं है। टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच द फॉलोइंग पिक्चर्स विल बी सेम ऑन रोटेशन, यानी अगर रोटेट करते हैं वो सेम रह जाती है, यानी तो आपको उसको टिक करना है। अगर सेम नहीं रहता है उस टर्न पे, तो आपको टिक क्रॉस करना है। इसके लिए आप क्या कर लो स्टूडेंट, ये बुक ऐसे पकड़ लो, इससे आप प्रैक्टिकली सीख पाओगे कि क्या करना है। जैसे आपका ये फिगर है, ये फिगर हम देखेंगे, यहाँ आपके बुक में भी नजर आ रहा होगा आपको, कह रहा पहले 1/2 टर्न, 1/2 टर्न यानी 180 डिग्री का टर्न करना हमें, यानी दिस टर्न इज 90 डिग्री एंड दिस टर्न टोटल टर्न इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसे पहले 90 डिग्री फिर 180 डिग्री तक टर्न करते हैं, तो आपको जो पहला वाला फिगर और ये वाला फिगर में सिमिलरिटी दिख रही है, अगर एक जैसे है तो आप उसको यस टिक करोगे। तो फिर से देख लो स्टूडेंट एक बार, ये देखो ये फिगर शुरुआत में आपका ऐसा है, मैंने 90 डिग्री टर्न करा, ये इस तरफ इसका शेडेड पोर्शन है, इस तरफ शेडेड पोर्शन है, इसको आ रहा है आपका, तो मैं इसको 180 डिग्री 90 डिग्री टर्न करा, 180 डिग्री टर्न करा, तो देखो आपके फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्क्वायर है ये शेडेड पोर्शन है, तो ये आप टिक करोगे, इसको टिक करोगे स्टूडेंट, आप यस टिक करोगे इसे, यानी 180 डिग्री यानी हाफ टर्न पे ये रोटेशन, इसका शेप चेंज नहीं होता है, यानी इसका लुक्स चेंज नहीं होता है। अगेन कह रहा 1/4 टर्न, यानी 90 डिग्री से टर्न करेंगे, यही फिगर है आपका, इसको अगर मैं 90 डिग्री का टर्न कर देता हूँ, यू टर्न कर देता हूँ, आप देखोगे स्टूडेंट शेप चेंज हो गई आपकी, ये जो आप पोर्शन देखो पहले इनिशियल में, ये शेडेड पोर्शन ब्लू कलर में है जो आपका, ये इस तरफ है और ये आपका इस तरफ है, अगर मैं इसे 90 डिग्री बेंड करता हूँ, टर्न करता हूँ, अब ये चेंज यहाँ होने चाहिए थे, ये चेंज हो गए स्टूडेंट, तो आपका ये 1/4 पे टर्न पे नहीं होगा, सेम नहीं होगा, इसका लुक सेम नहीं होगा, 1/3 टर्न यानी 180 डिग्री टर्न, 120 डिग्री टर्न सॉरी 1/3 टर्न यानी 120 डिग्री टर्न को अगर मैं चेक करता हूं, तो आप देखोगे ये आपका फिगर है ये वाला, और इसको अगर मैं क्या करूंगा 120 डिग्री मुझे टर्न करना है, यानी 90 डिग्री मैंने टर्न करा और 120 डिग्री इतना हो गया, तो फिर से देखोगे स्टूडेंट पहले तो ये ऐसा है, आपने ये देखने की ये वाली शेप चेंज तो नहीं होगी 120 डिग्री टर्न करने के बावजूद,
तो मैंने इसे 90 डिग्री टर्न किया। अब मैं थोड़ा और 30 डिग्री टर्न करता हूं तो देखो शेप चेंज हो चुकी है, ये वाले इनिशियल स्टेज में इस तरफ थे, इसलिए आपका ये भी आप क्रॉस करोगे, इसमें भी नहीं होगा। और 16 टर्न यानी 60 डिग्री टर्न, यही फिगर है आपका, इसको मैं 60 डिग्री घुमा देता हूं। ये देखो ये 90 डिग्री इतना हो जाएगा और 60 डिग्री कितना आ जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा। तो देखो 60 डिग्री में भी ये चेंज हो जाएगा हल्का सा, जो ये वाला है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। ये भी आपका 16 पे भी 1/6 टर्म पे इसका नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा लुक्स में इस तरीके से।